तो गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रसल अभी। तो भाई रैंडी ऑर्टन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा रिटर्न को इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ निकल कर आ रही है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम को भी लेकर के क्या प्लान्स है उसको भी लेकर के मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। वेल आज मैंने सुबह वाली वीडियो में भी सीएम पंक के बारे में ही बात की थी एंड इस वाली वीडियो में रैंडी ऑर्टन, तो आज तो भाई रिटर्न से रिलेटेड ही वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हो एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करते हैं अब हम लोग रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई सबसे पहले मैं आपको सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम से रिलेटेड सिचुएशन बताता हूँ जो कि रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को लीड करेगी। तो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई जो सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम को प्लान कर रही है वो कुछ रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वाली थीम पर भी रख सकती है, जहाँ पर हमको स्मैकडाउन की तरफ से रोमन रेंग, सोलो सिगोवा, जिमी उसो एंड प्रोबेबली डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर भी हमको स्मैकडाउन की तरफ से देखने के लिए मिलेंगे। एंड बात करें रॉ ब्रांड की या फिर आप मान लो फेस टीम की, तो फेस टीम से जो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे वो हो सकते हैं कोडी रोड्स, जे उसो, सैमी जेन एंड एक आधा पीपल और आके उनको ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की फ्यूड्स हम देखने वाले हैं कि वॉर गेम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करेगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो रिटर्न से लेकर के अपडेट आ रही है रैंडी ऑर्टन को, तो वो ये आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई 5-on-5 वाला जो सर्वाइवर सीरीज का वॉर गेम वाला मैच है वो बुक करेगी एंड उसमें फेस टीम को लेकर के सिर्फ 4 ही स्पॉट डब्ल्यूडब्ल्यूई फुलफिल करेगी, एक मिस्ट्री स्पॉट छोड़ देगी या फिर फेस टीम वाले जो कहेंगे उनके पास 4 ही जगह है वो चारों को चारों ही अकेले लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग देखेंगे जो 5th स्पॉट होगा वो मिस्ट्री पार्टनर करके होगा एंड उस वक्त रैंडी ऑर्टन अपना सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न करेंगे एंड जो कि एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रिटर्न होगा। आते ही वो वॉर गेम के मैच में आ जाएंगे, आते ही वो ब्लड लाइन के अगेंस्ट में भी आ जाएंगे, एकदम से वो डायरेक्टली रोमन रेंग्स से कम्पीट भी कर सकते हैं आगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच को लेकर के एंड काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज इस मैच को खुल जाएगी क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रैंडी ऑर्टन पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, उनकी मर्चेंडाइज मर्च सारी चीज़ें रेडी है, अब तो बस वेट है उनका रिटर्न का। एंड कल की तरफ से बूजर रेसलिंग को भी लेकर के रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर करी है कि रैंडी ऑर्टन या तो सर्वाइवर सीरीज या फिर उसके आसपास के वीकेंड में अपना रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई में करते हुए दिखाई देंगे। तो भाई अब ये चीज़ तो कंफर्म है कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका है। बट आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग को क्या लगता है, क्या रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम के मैच में अपना रिटर्न करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।